काम पे टांग रही है, टांग रही है। बहुत काम रही है। हम कोई गुलाम है जो आप कहेंगे हम कर लें? हम कोई गुलाम है? नहीं, हमारी नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, तो हम खेल के मुकाम पे पहुंच चुके हैं। कुछ ट्रैक के बाद मतलब जो बेस है वहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं और फिर ट्रैक पे आएंगे। तो हम अभी पहुंच चुके हैं और ये जो लाइन लगी हुई है वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमने सोचा कि हम लेफ्ट पे जाएंगे। ये लेफ्ट ये खेल है और ये खेल से ज़्यादा है आरंग खेल। ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बारी कब आएगा। ये सारा लाइन आप देख सकते हैं, इसमें 3-3.25 घंटे लग जाते हैं हमारे नंबर आने तक का इंतज़ार जो हम करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ट्रैक पे जाएंगे, क्योंकि ट्रैक का रास्ता है 1 घंटा एक साइड का और 1 घंटा दूसरी साइड का। तो हम ट्रैक पे जाएंगे। वापसी में चार लेप में सर से शायद इतना रखना हो। और ये सामने जो दिख रहा है ये अरंकेल है, अरंकेल ये अरंकेल है, चार लेप यहाँ जाता है। ये जितने लोग आ रहे हैं ट्रैक से बहुत ख़राब है, लेकिन हम तो आदी है और पहाड़ों के शहजादे, तो इंशाल्लाह हम जल्दी कवर कर सकेंगे। लोग 3 घंटे तक बोलते हैं, लेकिन हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कसम से हमें कोई मसला नहीं होता ट्रैक में, ट्रैक के लिए हम तरसते हैं। भाई को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो भी करें। भाई शॉर्टकट लेने का टाइम आ गया, अब तो पहाड़ों के शहजादे शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, देख लेना। ना क्या रोई भाई, ये लोग बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है या तो उसने ट्रेक नहीं किया और या रास्ता बहुत दूर है, मतलब जगह बहुत दूर है या उसने ट्रैक नहीं किया। असल में हमारे पास तो अभी बैग नहीं है, अगर हमारे पास बैग होता, हमारा बैग तो 40 किलो से ऊपर है, तो अभी मैं साथ ले जाता। और आप, लेकिन ये तो गुड लक है स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ, बैग नहीं है। वाह वाह वाह, क्या सीन है यार।
उधर से आए और उधर तो तकरीबन 4-5 घंटे का वेट करना पड़ता क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा रश था, कतार लगे हुआ, तो हम पैदल आए 10-15 मिनट में हमने फिर क्या हमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया और अभी भी रास्ते दोस्तों। तो अभी हम गामजन हैं अरंकेल के रास्ते पर और सुबह हम जल्दी उठे, नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम टाइम पे पहुंच जाए, लेकिन जब केल तक पहुंचे तो वहाँ बहुत ज़रा कतार लग गया था, आपने तो वीडियो में देखा होगा, तो इसी वजह से हमको ट्रैक करना पड़ा। अगर हम इंतज़ार करते रहे वहाँ तकरीबन 3-4 घंटे लगते और ट्रैक पे हम इंशाल्लाह 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो वहाँ नाश्ता भी करेंगे और इस जगह का भी कुछ शॉर्ट आउट शेयर करेंगे हमारे साथ भी। हमारी काम पे टांग, हाँ काम पे टांग नहीं है। खिलाओ सेल्फी ब्रो, आई हैव अनदर, यस आप आओ। रास्ते पर हम जाते जाते दोस्तों से भी कुछ सवाल पूछते हैं कि उसका क्या जवाब देते हैं। भाई काम पे खांग रही है? नहीं यार, एब्सोल्युटली नॉट। भाई ये जाते हुए काम पे खांग रही है? नहीं नहीं, ऊपर जाते काम पे, नीचे जाते नहीं काम पे, एब्सोल्युटली नॉट। यहां पे लोग भाई लला कहते मुझ तो हम की गुलाम है। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे क्या? एब्सोल्युटली नॉट। भाई काम पे तो नहीं ठांग रही? एब्सोल्युटली नॉट बोल, ये हम भी गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम कर लें। एब्सोल्युटली नॉट। अमेजिंग पठान के फैन? यस। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, सारे हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा वो बस अच्छा, जबरदस्त सारे पे। हां जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान के साथ हैं, नून लीग के साथ नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई काम पे तो नहीं टांग रही? टांग रही, काम पे टांग रही है। हां बहुत काम भी है, टांगिंग काम पे टांग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिसमें तक अच्छा भाई, पानी पानी पानी, किसी काम पे तो नहीं टांग रही जी? किसी की काम पे तो नहीं टांग रही? नहीं हमारी नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। पानी शानी दे दो, दाल खिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। भाई किसी की काम पे तो नहीं टांग रही? काम पे टांग रही है, काम पे टांग रही है। लेकिन वाओ वड़ंग के वाओ।
मजा आएगा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई किसी के काम पे तो नहीं ठांग रहे भाई, भाई यहाँ पर वीडियो नहीं बनाते हैं, क्यों बारे मारते हैं, क्यों कहते हैं हमारी जंगलात को खतरा हो जाता है। हाँ लेकिन क्यों खतरा होता है, हम तो कोई मार्चर चलाते हैं। कैसे पता है? हाँ आपको क्यों नहीं पता? अच्छा ठीक है, रास्ते पर ये हमारा पहला स्टे है इंशाल्लाह, दूसरा स्टे हमारा टॉप पे, ये पहाड़ बना हुआ है आप देख सकते हैं। जब हम वहाँ से आ रहे थे वहाँ भी लाइन लगा हुआ था, और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी लाइन लगा हुआ है, तो हम तो अभी पहुँचे वहाँ कुछ इंजॉय कर लें और फिर वापसी कर लें। फाइनली ये है रीच अरंकेल, और ये अरंकेल का मिडल है। हम अभी पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बखैरियत पहुंचे हैं, और हमारे साथ तो एक फ्रॉड हुआ था लिफ्ट में, मतलब जो लोग लिफ्ट पे आते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये अरंकेल तक जाता है। जब आप लिफ्ट में आ जाएंगे तो लिफ्ट से जितना ट्रैक खेल से अरंकेल तक तकरीबन आधा से ज़्यादा लिफ्ट से अरंकेल तक है, तो मेरा मशवरा तो ये है कि लिफ्ट के बजाय आप ट्रैक पे आ जाएं। इतना सख्त भी नहीं है, क्योंकि ट्रैक सख्त होता है तो लिफ्ट के बाद होता है सख्त, तो इसलिए आपको जो व्यू है वो भी आप देख सकते हैं फिर जब आप ट्रैक पर आए, तो इसके भी हम शॉट आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ रहेंगे। Wonderful, absolutely wonderful. This is awesome, gorgeous, gorgeous. Heaven on earth. This is heaven on earth. No? Heaven on earth, no? Exactly, exactly. Okay.
भाई मैं तो हैरान हूँ, ये कितना खूबसूरत जगह, एक तो ये खूबसूरत है, वह कितना बड़ा है, कितना ज़बरदस्त है। अल्लाह ने कितने और बनाए होंगे ऐसे जगह, अल्लाह वो सब जगह हमें दिखाई जिसने हमने ये देखा। और रैली में जन्नत नज़ीर वाली जो कश्मीर को कहा जाता है, ये एग्जैक्टली कहा जाता है, क्योंकि ये है जन्नत नज़ीर वाली, आप खुद देख सकते हैं। यार लोग खाना खाते और फिर कचरा फेंकते हैं, ये कितना खूबसूरत जगह, ये भी गंदा हो जाएगा कुछ वक्त बाद। जहाँ लोग पहुँचते हैं वहाँ ऐसा मसला होता है, जो भी चीज़ खाते या कुछ करते हैं तो कचरा अपने साथ वापस लाते और के डस्टबिन ढूंढ के वहाँ फेंकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो जब आप मेन जो मेडो है उससे ऊपर आ जाए थोड़ा जंगल में, तो ये दूसरा मेडो है और यहाँ तो मकामी लोग रहते रहते ये बेड बद के चराते, ये तो बहुत गौर गौर से देख रहा है। ऐसे ऐसे आ जाइए, नहीं ये खाने की चीज़ नहीं है। अरे ये तो मुझे नहीं छोड़ रही, ये पहले भाग रहा था अभी मेरा पीछा कर रही है, मुझे वीडियो बनाने नहीं देते, जब मैं ट्राइपॉड लगाता हूँ आ जाती है। अरे यार छोड़ ले प्लीज, ये रहा ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, जब मैं इससे जाता हूँ जब मैं दोबारा लगा दो अग्नि आएगी। अच्छा दोस्तों, तो वो जो मेन मेडो था अरंकेल का, उससे तकरीबन 5 मिनट ट्रैक करके ये जंगल में ये दूसरा मेडो है,
माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसके भी कुछ शॉट आपके साथ शेयर करते हैं। क्या बहुत ज्यादा आप लोग के बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को का प्यार है, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा दोस्तों, तो ये था अरंकेल का व्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर की, कुछ अपना एक्सपीरियंस। हमने बहुत कोशिश की कि अच्छी तरीके से आपके साथ यह जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ शेयर करेंगे। हमने तो पूरा कोशिश की लेकिन पता नहीं आप लोगों को पसंद आई या नहीं। अगर पसंद आई तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो भी लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों ये था अरंकेल का व्लॉग। इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे ताऊबट, तो मिलेंगे ताऊबट में इंशाल्लाह। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।